जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों सुविधा कर्मचारी संबंधित हर न्यूज पाने के लिए दोस्तों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन से राज्य में सुविधा कर्मचारी के तौर पर कार्य करते हैं, साथ ही हाल फिलहाल में दोस्तों आपको कितना मानदेय दिया जा रहा है, साथ ही आप कितने मानदेय की मांग करते हैं। तो दोस्तों सुविधा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सुविधा कर्मचारियों में खुशी की लहर है, उनके वेतन में दोस्तों बढ़ोतरी हो चुकी है, साथ ही अतिरिक्त भत्ता भी आपको मिलने वाला है। दोस्तों कौन से राज्य की न्यूज है, साथ ही कहां से आपके लिए अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, पूरा इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पूरा न्यूज हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले से सुविधा कर्मचारियों में हर्जियां दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। ये आपके नगर पंचायत साथ ही नगर परिषद में कार्यकर सुविधा कर्मचारी को हटाए जाने के विरोध में बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले उच्च न्यायालय पटना में दाखिल याचिका पर न्यायालय द्वारा कर्मियों के नहीं हटाए जाने के फैसले में नगर पालिका कर्मियों में। तो दोस्तों अगर आप बिहार के सुविधा कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। इस फैसले को ऐतिहासिक जीत मानते हुए नगर पंचायत बढ़िया कर्मचारी मजदूर संघ के मंत्री ब्रजेंद्र शर्मा ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के नगर विकास विभाग के इस आदेश से तत्काल रोक लगा दी है, जिसमें दैनिक मजदूरों को हटाए जाने का आदेश है वो निर्गत है, वो किया गया था। जानकारी हो तो नगर विकास विभाग में 28 जनवरी को है बिहार के नगर निकाय कर्मियों को हटाए जाने का आदेश है वो निर्गत किया गया था। यानी दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगली दोस्तों खबर देख लेते हैं। पटना हाई कोर्ट का फैसला, सुविधा कर्मचारी सफाई कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। सूबे के 142 नगर आपके निकाय के दिग्ग सफाई कर्मचारी अब हटाए नहीं जाएंगे। उन हटाए के लेकर आपके नगर निगम विभाग के आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोस्तों आप क्या फैसला चाहते हैं, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, साथ ही आपको हाल फिलहाल में कितना मानदेय मिलता है, आपकी क्या मांग है, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं ताकि दोस्तों हम आपकी भी मांग उठा सकें, आपकी भी मांग हाईलाइट में है ताकि दोस्तों आपको भी अच्छा खासा है वो सैलरी मिल सके। क्योंकि लगातार कई सुधा कर्मचारी ऐसे हैं जिनको टाइम पर आपका है वो कम तो एक सैलरी मिलता है, वो भी दोस्तों आपका टाइम पर नहीं मिल रहा है, तो आपकी मांगे हम भी उठाते रहते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना राज्य और अपना जिला, साथ ही अपना डिपार्टमेंट और अपनी मांग जरूर लिख दें। अगले दोस्तों खबर है, परिवहन निगम के योद्धाओं को नहीं मिल रहा प्रोत्साहन राशि। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक गलत खबर आ रही है, क्योंकि लगातार सुविधा कर्मचारी बड़ी मेहनत करते हैं उसके बाद में उनको है प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। दोस्तों मऊ का न्यूज है, महानगरों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों को रेलवे स्टेशन से उनके घर तक पहुंचाने के लिए जाबाजी दिखाते हुए दिन रात मेहनत करने वाले उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक परिचालकों को तय की गई प्रोत्साहन राशि मऊ डिपो कर्मियों को नहीं मिल रही है, साथ ही नहीं दी जा रही है। चाहे जमातियों को क्वारंटाइन के अंदर ले जाने की बात रही हो या प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने की मामला हो, रोडवेज में कम से कम मानदेय साथ ही सुविधा की नौकरी वाले चालक परिचालक को सबसे आपका आगे कतार में खड़ा कर दिया जाता है। यानी लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के बाद भी है चालक परिचालक भूख प्यास से संघर्ष करते हुए लगातार राष्ट्र में आए संकट के दौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु दोस्तों उनके हाथ क्या लग रहा है, निराशा। यानी उनको प्रोत्साहन राशि दोस्तों आपकी नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम लगातार आपको बताते रहते हैं, आपकी मांगे उठाते रहते हैं। दोस्तों आप कौन से राज्य की खबर चाहते हैं कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।